हाँ जी, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, तुहाडा साडी किचन विच स्वागत है। फ्रेंड्स, अज असीं बनावांगे डिफरेंट रेसिपी। असीं बनावांगे इडली सांभर। इस नूं बनाउण वास्ते मैं ले आ 2 कौलियां, मैं लईआं वां अरहर दी दाल दीआं। इहनां नूं मैं अच्छी तरह 3 तों 4 पानी च वॉश करके 5 मिनट पहलां भिगो लिया सीगा। बीन्स ले आ मैं थोड़े जिहे, इहनां नूं मैं छोटे छोटे बरीक बरीक कट लिया वा। घीआ लिया वा 1 मीडियम साइज़ का, इन्हू मैं रफली कट लिया वा। 3 तों 4 मैं कैरट लिया सीगियाँ, इन्हों मैं स्लाइस वागू बरीक बरीक कट लिया वा। और 1 मैं कॉलीफ्लावर मीडियम साइज़ की ली सी, उन्होंने भी मैं छोटा छोटा कट लिया वा। हूँ इन्हों सारे असी कुकर पा के 3 तों 4 विसलां मरावे और नाल थोड़ा जहा नमक ऐड कर देंगे। हाँ जी, जिन्हें तक साडा सांबर बॉयल हुंदा वा उन्हां तक फ्रेंड्स असी साइड ते टाइम ना वेस्ट करदे हुए साइड ते असी बनावांगे इडली पेस्ट। इहनूं बनाउण वास्ते मिलिया वा 1/2 किलो दही, और ये मैं लई आ नाल 1/2 किलो ही सूजी जिहनूं रवा कहिंदे ने। कई लोग इहनूं यानी कि राइस फ्लोर्स बनाउंदे ने, पर असी सूजी विच बनावांगे। हुण मैं 1/2 किलो दही विच 1/2 किलो ही सूजी ऐड करांगी। और फ्रेंड्स, नाल इहदे विच मैं पावांगी 1 चम्मच राई पावांगी इहदे विच, और 1 टेबल स्पून इहदे विच मैं पावांगी नमक। और इहदा असीं 1 घोल तैयार कर लांगे, मिक्सर तैयार कर लांगे, और इहनूं 20 मिनट वास्ते असीं रख देवांगे। 20 मिनट तो बाद जदों इहनूं रिसेंटली असीं पकाउणा वा, फिर इहदे विच असीं 2 पाउच इनो दे पा देंगे, यानी कि फिर ज़्यादा फ्लफी हो जाती ने। हाँ जी फ्रेंड्स, तुसी देख सकते हो साड़ी इडली जिहड़ी आ इडली वह फ्लफी हो गई है एकदम। हुण असी इहदे विच इनो पा देंगे 2 पाउच असी इनो दे पा देंगे, और इनू थोड़े जे पानी पा के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और फिर असी इहदियां छोटिया छोटिया इडलियां बनावांगे। हाँ जी फ्रेंड्स, हुण असी बनावांगे कोकोनट चटनी, जो कि इडली सांभर नाल बहुत टेस्टी लगती है। इस नूं बनाउण वास्ते कई तो फ्रैश कोकोनट जूस करते हैं, असी लिया वा डेसीकेटड कोकोनट पाउडर, जो कि आम अवेलेबल मार्केट चो मिल जाता है। और इस नूं तैयार करने वास्ते मैं 1 कप कोकोनट पाउडर लिया वा। इस नूं मैं बोल च पा देंगे, मिक्सी च पा देंगी। 1/2 टेबल स्पून मैं इहदे विच नमक पावांगी, 2 मैं इहदे विच फ्रैश मिर्चा पावांगी, छोटा टुकड़ा मैं इहदे विच पावांगी अदरक दा, और मैं फ्रैश इमली दा पल्प तैयार कीता वा, और थोड़ा जिहा असी 1 टू 2 टेबल स्पून ये ऐड करांगे, और इहनां नूं असी मिक्स कर देंगे मिक्सी विच अच्छी तरह। असी हैलो फ्रेंड्स, हाँ जी, हुण असी लावांगे कोकोनट चटनी नूं चौक करांगे, जिदा जिहनूं कि असी पंजाबी तड़का कहिंदे आ। इस नूं लाउण वास्ते मैं पैन विच 2 टेबल स्पून मैं ओलिव ऑयल लिया वा, और 1 चम्मच मैं राई पावांगी, और 4 तों 5 कड़ी पत्ते पावांगी। साडा कोकोनट चटनी नूं तड़का, यानी कि जिन्हों असी कई बार चौक कह दें उपर। हूँ असी सांबर का तड़का तैयार करांगे। पैन विच मैं पावांगी ऑयल, यानी कि 1 टू 2 टेबल स्पून ओलिव ऑयल यूज करांगे मैं। इनू हल्का जहा गर्म होंगे, फिर असी ये पावांगे कड़ी लीव्स, और नाल असी 1 छोटा स्पून पावांगे राई, इन्हां थोड़ा जहा असी थोड़ा जहा पक्कन देंगे, फिर असी इहदे विच चॉप कीते प्याज ते चॉप कीते हुए प्याज ऐड करांगे। हुण असी इहदे विच चॉप कीते हुए असी प्याज ऐड करते ने, नाल ही फ्रैश 1 टू 2 असी लईआं सी चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, नाल ही इहदे विच असी जिंजर ऐड करता चॉप किया हुआ।
हम असं इनू हल्का हल्का पकन देंगे जिन्हें तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। और ये असं पावे हाफ टेबल स्पून असं ये नमक पावे, हाफ टेबल स्पून असं ये कश्मीरी लाल मिर्च पावे और इनू असं पकन देंगे। हाँ जी फ्रेंड, तुसी देख सकते हो साडा तड़का बन के रेडी आ। हुण मैं इहदे विच इमली का पल्प जो तैयार किया वह ऐड कर देंगे और इसनों मैं हुण थोड़ा टाइम इहदे उपर पक्कन देंगी लो फ्लेम ते। हाँ जी तुसी देख सकते हो साडा तड़का मोस्टली बन ही चलिया वा। असी ये थोड़ा जहा हूँ 1 to 2 टेबल स्पून सांबर मसाला ऐड कर देंगे और इनू हम असं 2 मिनट लिए पकन देंगे। हाँ जी तुसी देख सकते हो साड़ी दाल और सब्जियां बॉयल्ड हो गई ने बिल्कुल। हूँ असी ये तड़का ऐड करांगे और असं इस थोड़ा टाइम पक्कन देंगे जाने की जो कि तड़केदार टेस्ट है एकदम मिक्स हो जाए और फिर साडा सांबर बन के रेडी है। हाँ जी फ्रेंड्स, हुण असं इडलियां तैयार करते हैं। इन्हों तैयार करने वास्ते मैं इडलियां मोल्ड में नीचे इतने ब्रशिंग करता ऑयल। हुण मैं इहदे विच पावांगी 1 टेबल स्पून इन्हां दे विच इडलियां पावांगी, पेस्ट पावे जाने की जो तैयार किया सीगा। इदा ही असी सारे फिल करके फिर इन असी रख देवे स्टीम होने वास्ते। हाँ जी फ्रेंड्स, तुसी हाँ जी देख सकते हो असी इडली स्टैंड विच थोड़ा जहा पानी ऐड करता सीगा। हुण असी इहदे विच स्टैंड नूं रख देंगे और इस नूं असी 10 मिनट लिए पक्कन देंगे। मैं लिड कर दूंगी, हुण असी इहनूं 10 मिनट लिए पक्कन देंगे। तुसी देख सकते हो साडियां इडलियां बन के रेडी आ। हुण असी इहनूं सांबर नाल खावांगे यम्मी यम्मी। हाँ जी फ्रेंड्स, तुसी देख सकते हो साडा सांबर इडली बन के रेडी आ। असी इसनूं सर्व करांगे कैचअप नाल, नाल कोकोनट चटनी आ, नाल सांबर साडा और नाल इडलियां ने, असी इन्हां नूं सर्व करांगे। सो फ्रेंड्स, तुहानूं मेरी वीडियो किस तरह की लगी प्लीज़ मैनू कमेंट्स विच जरूर दस्यो। जे च कोई कमी आ प्लीज़ तुसी वह भी मेरे नाल शेयर करियो और फ्रेंड्स मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। थैंक यू फ्रेंड्स, सत श्री अकाल।